नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। एक व्हेन जस्ट थिंक यू आर गोइंग टू बी एसटीएम एंड यू आर बिकमिंग एंग्री व्हेन समवन इज सेइंग और समवन इज टेलिंग और समवन इज इन्फॉर्मिंग यू, यू आर बिकमिंग एंग्री। आप नाराज हो रहे हैं केवल एक सूचना पे ही। मैं पहले आपको ये बात, ठीक है आप अधिकारी वर्ग में जाने वाले हैं, थोड़ा सा टेंपर रखिए। देखिए क्या हो रहा है, मैंने 6 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, 6 दिन पहले मैंने कहा था कि अभी कोई रिजल्ट हाल फिलहाल इस महीने नहीं आएगा UPPCS का, ठीक है। लाइक देखिए 39 लाइक, इससे दूने जस्ट डिसलाइक है, उल्टे सीधे कमेंटों की संख्या आ रही है, पता नहीं क्या क्या। मैं झूठ बोल दूँ आपसे, बताओ आप मुझे। अरे जो सत्य है, जो मुझे पता चलेगा वो मैं पता कराऊँगा। और अभी भी आप ये मान लिए कि 12-14 मई तक कोई रिजल्ट नहीं है, 12-14 मई तक कोई भी UPPCS 2018 मेंस का रिजल्ट नहीं है। एक बात और भी सुनो, आप इंतजार कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, इस बिना रिजल्ट के तो आपको रोटी हजम नहीं हो रही है, मतलब मैं ये भी मान लेता हूँ, लेकिन इससे क्या होगा, फिर भी रिजल्ट आयोग अपने हिसाब से देगा कि तुम्हारे हिसाब से देगा। मुझे जो सूचना मिली मैंने आपको बता दिया। हाँ माना कि आप इंतजार कर रहे हो, भाई साहब मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, आप इंतजार कर रहे हो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ 2018 का। मैं 64वीं BPSC का भी कर रहा हूँ और महीनों से कर रहा हूँ, इससे पहले BPSC हो गया था, जुलाई 2019 में हो चुका था, उसका नहीं आया अभी तक। तो गुस्सा करने से, नाराज होने से क्या होगा। चलिए अब एक बात और बता दूँ मैं आपको, संविधान वाली पेड क्लास शुरू हो गई हैं और इसके अलावा ज्योग्राफी की पेड क्लास शुरू हो गई हैं। इसका फ़ायदा ये है, इन क्लासेस का ये फ़ायदा है, इसमें डिटेल्ड स्टडी नहीं होती है, केवल ट्रिक से वो फैक्ट जो प्री और मेंस में इंपॉर्टेंट है, जितने भी फैक्ट आपको लिखने हैं वो सब आपके तैयार हो जाएंगे। और ट्रिक का भी एक दो नमूना देख लीजिए आप। और रिजल्ट 12-13 मई तक अभी कोई रिजल्ट नहीं है। ये है 7 किताबों का सेट, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, नंबर भी मैं आपको अपने दे रहा हूँ, दोनों में से कोई भी नंबर आप डायल कर लीजिए, 9972975322 7417445544। जिस प्रकार प्री मैं पास कर लेता हूँ, करंट भी आपको ट्रिक से कराऊंगा। चाचा आप फोन वाले चाचा हैप्पी हैं, फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स 140वें स्थान भारत का, फिनलैंड पहले पे। इस तरीके से होता है, दूल्हे का साला चुनाव हार गया। अब चाहे प्री हो अथवा मेंस हो, फैक्ट होगा तो आप आसानी से अच्छा आंसर लिख पाएंगे। बस बताना यही है, आप 2020 की तैयारी कीजिए और BEO का एग्ज़ाम यदि पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये सब आप रट डालिए। ये देखिए इनके भी, और एक ग्रुप वाला दिखाता हूँ मैं आपको, अभी पुस्तकें मिल गई हैं सर जी, वाह सर जी क्या ट्रिक्स बनाए, मज़ा आ गया ना पढ़कर। नमस्कार सर जी, आपके द्वारा भेजी गई बुक हमें मिल चुकी है, ज़बरदस्त बुक है, कहने को क्या, धन्यवाद। और ये ग्रुप का रिस्पॉन्स देख लीजिए आप, जो अभी चल रहा है, जो ये कह रहे हैं लोग कि जो 1.5 लाख रुपये में दिल्ली में रह के आप पेमेंट करते हैं वहाँ। सर ये है संविधान की कक्षा पेड, सर डेली का डेली पढ़ा जा रहा है, समझ में आ रहा है, और क्या चाहिए। दिल्ली में 1.5 लाख देके भी नहीं निकलता प्री एग्ज़ाम, यहाँ 1500 में निकल जाएगा। हाँ रूल्स फॉलो करने होंगे आपके। चलिए ये है रेस्पॉन्स। अब बस मेरा कहना आपसे ये है, गुस्सा होना छोड़िए, जो सत्य है उसका सामना कीजिए, जैसा भी होगा आपका भी होगा और मेरा भी होगा। और हाँ मेरा रोल नंबर ज़रूर चेक कर लेना इंटरव्यू की लिस्ट में। हैव अ नाइस डे, बाय।